Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Maps. In today's video, we are going to cover modification and temporary application of model standing order. इसका आइडिया मैं आपको पीछे वाली वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है? लेबर लॉ का हमारा टॉपिक है. प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स कवर करेंगे. सर्टिफिकेशन प्रोसेस में जो हम काफी हद तक कवर कर चुके हैं पहली वीडियो में, आप चेक करोगे तो. एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, हु कैन अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन प्रोसीजर, अपील प्रोसीजर, इनमें से कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे हम कवर कर चुके हैं. तो इस वीडियो में बस हम छोटा छोटा उनको फटाफट कवर कर लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. आता है प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स. तो एक एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर्स कवर्ड बाय इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. जो भी एम्प्लॉयर्स इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट में कवर हो रहे हैं उनको स्टैंडिंग ऑर्डर की जरूरत है, वो कंपल्सरी है, स्टैंडिंग ऑर्डर उन्हें लेना पड़ेगा, ठीक है? दीज ऑर्डर एसेंशियली आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉय. जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो आउटलाइन करता है टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके ऊपर एम्प्लॉयर्स को काम करना होता है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को, ठीक है? विद इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट ड्राफ्ट दी स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू कवर वेरियस मैटर रिक्वायर्ड बाय द लॉ. क्यों ड्राफ्ट करना होता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स? हमें ऑब्जेक्टिव हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, हमें रट ही चुका होगा. वर्किंग आवर्स लिखे होते हैं उसमें, लीव पॉलिसीज, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो नाउ वंस ड्राफ्टेड, अब एक बार ड्राफ्ट हो जाता है जब स्टैंडिंग ऑर्डर, तो उसकी फाइव कॉपीज होती है. फाइव कॉपीज ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर मस्ट बी सबमिटेड टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर. पांच कॉपीज सर्टिफाइड ऑफिसर के पास जाएगी अप्रूवल के लिए एज पर द सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट. एग्जाम्पल है, इफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्प्लॉयज वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, द स्टैंडिंग ऑर्डर वुड स्पेसिफाई द वर्किंग आवर्स. स्टैंडिंग ऑर्डर क्या क्या बताएगा उस कंपनी के वर्कर्स के लिए? वर्किंग आवर्स बताएगा, ओवर टाइम पॉलिसीज बताएगा, एंड कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो उनकी कोई इशू होता है उनको, तो उसको किस तरीके से एड्रेस करना है, उनकी इशूज को सॉल्व कैसे करना है, एंड मेनी अदर थिंग्स. अब आता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस. तो सर्टिफिकेशन ऑफिसर प्लेज अ क्रूशियल रोल. ये तो आपको पता ही है, सर्टिफिकेशन ऑफिसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, उसके पास काफी सारी पावर्स होती है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है? उसी को ही अप्रूव करना होता है आपका स्टैंडिंग ऑर्डर. तो वही सारी चीजें देखते हैं कि कौन सा रूल गलत है, कौन सा रूल सही है, ये रूल मतलब किसी पार्टी के लिए बायस तो नहीं है. सो दे इन्फॉर्म द यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स अबाउट द प्रपोज स्टैंडिंग ऑर्डर एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रेज ऑब्जेक्शन. तो वो दोनों पार्टीज को, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स, दोनों पार्टीज को बोलता है कि ये रूल सेट हो चुके हैं, अब आप चेक कर लीजिए. अगर किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है कि गलत रूल है तो प्लीज ऑब्जेक्शन उठाइए, उस ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व किया जाएगा. नाउ द सर्टिफिकेशन ऑफिसर कंडक्ट हेयरिंग. अब जो ऑब्जेक्शन उठेगा उसमें दोनों पार्टीज को बिठाएगा वो और हेयरिंग कंडक्ट करेगा. ये हम पीछे वाली वीडियो में भी ये वाला स्टेप हम कवर करके आए हैं, ठीक है? उनके ऑब्जेक्शन को एड्रेस करेगा, उनकी कंसर्न्स देखेगा, चेक करेगा, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फिर उस पर एक कंक्लूजन पे आने के बाद वो स्टैंडिंग ऑर्डर को अप्रूव कर देगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर. Until the standing order are certified, अब बहुत इंपॉर्टेंट है हम मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, वैसे मैं पीछे वाली वीडियो में डिस्कस कर सकती हूँ, अगेन कह रही हूँ, आप प्लीज जाके देखिएगा. तो अब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या है कि जब तक स्टैंडिंग ऑर्डर आपका आता नहीं है, बन के नहीं आता, ये पूरा प्रोसीजर ऑब्जेक्शन का, अपील का पूरा नहीं होता, तब तक एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है जिसको हम ना फॉलो करेंगे, ठीक है? द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू. जैसे ही आपकी कंपनी एस्टैब्लिश होती है, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होती है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर जब तक बन के नहीं आता तब तक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के जितने भी रूल्स हैं वो सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे. द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर सर्व एज अ टेम्परेरी सेट ऑफ रूल्स अंटिल द स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर. जब तक आपका स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के जो टेम्परेरी रूल्स है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सारे कॉमन रूल्स मेंशन कर रखे होते हैं जो हर इंडस्ट्री पे इक्वली अप्लाई होते हैं, ठीक, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट आर अप्रूव. सो लेट्स मूव फर्दर. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स में चेंज टू सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर. चेंजेस होंगे सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में तो फॉलो अ स्पेसिफिक प्रोसीजर. अगर आपको सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में कोई भी चेंजेस करना है तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है, जो सेक्शन 10 है इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर, उसके अंडर मेंशन है. सो मॉडिफिकेशन कैन ओनली अकर थ्रू एन अग्रीमेंट. मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ एक अग्रीमेंट के थ्रू अकर हो सकता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज. उन दोनों को ही साथ में बैठ के मॉडिफिकेशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी, अग्रीमेंट करना पड़ेगा, और दे आर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, या फिर अगर उन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है, 1-1 पर्सन किसी के पास अथॉरिटी दे रखी है उन्होंने, तो वो बैठ के बात करेंगे.
दिस अग्रीमेंट मस्ट हैपन विद इन 6 मंथ्स. ये अग्रीमेंट 6 मंथ में होना चाहिए ऑफ द लास्ट अमेंडमेंट बिकम ऑपरेशनल. यानी कि लास्ट अमेंडमेंट जब तक ऑपरेशनल होती है तब तक इस ये अग्रीमेंट उसके 6 महीनों में हो जाना चाहिए. एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ द वर्क शिफ्ट टाइमिंग्स नीड एडजस्टमेंट, अगर किसी वर्क की शिफ्ट टाइमिंग को एडजस्टमेंट चाहिए तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है या फिर यूनियन वो एक अग्रीमेंट पे आएंगे, प्रपोज करेंगे मॉडिफिकेशन, वो जो भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जो कि हमारा 6 मंथ का है उसमें. नाउ हु कैन अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन? ओरिजिनली ओनली एम्प्लॉयर्स हैड द राइट टू अप्लाई फॉर अमेंडमेंट. सिर्फ और एम्प्लॉयर्स के पास अमेंडमेंट का राइट होता है. हाउ एवर थ्रू अमेंडमेंट्स टू द एक्ट इन 1956 एंड 1982 वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस ऑल्सो गेन द राइट टू अप्लाई. तो पहले जो था वो एम्प्लॉयर्स के पास था, बट आफ्टर दिस टाइम वर्कर्स जो ट्रेड यूनियंस होते हैं उनके पास भी अब राइट आ गया है कि वो भी मॉडिफिकेशन की मांग कर सकते हैं. एग्जाम्पल इफ एन एम्प्लॉय इफ एम्प्लॉयर्स बिलीव दैट अ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द स्टैंडिंग ऑर्डर इज अनफेयर. अगर किसी एम्प्लॉयज को लगता है कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है स्टैंडिंग ऑर्डर में जो कि अनफेयर है या फिर आउटडेटेड हो चुका है अकॉर्डिंग टू द टूडे सर्कमस्टांस, वो नहीं लग रहा है, सो दे कैन अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन फॉर टू बेटर सूट देयर नीड्स. नाउ प्रोसीजर फॉर मॉडिफिकेशन, सेक्शन 10 क्लॉज 2. एन एम्प्लॉयर और वर्कमैन, यानी कि एक एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन और अ ट्रेड यूनियन कैन अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन. ये अभी हम पीछे वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं. और अब कैसे मॉडिफिकेशन के अप्लाई करेंगे? बाय सबमिटिंग 5 कॉपीज ऑफ द प्रपोज चेंजेस. जो भी चेंजेस उन्हें कर रहे हैं उसकी 5 कॉपीज जो है वो प्रपोज चेंजेस की सर्टिफाइंग ऑफिसर को देकर. इफ मॉडिफिकेशन आर प्रपोज थ्रू एन अग्रीमेंट, अगर जो मॉडिफिकेशन है वो अग्रीमेंट के थ्रू प्रपोज हो रहा है, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दैट अग्रीमेंट मस्ट बी फाइल्ड. अगर दोनों के बीच पहले एक अग्रीमेंट बन के साइन हो चुका है तो वो मॉडिफिकेशन जो है वो भी सर्टिफाइड कॉपीज जो है उसकी वो भी जानी चाहिए उस अग्रीमेंट की. ठीक है, फाइल विद द एप्लीकेशन आपकी, हमें ये मॉडिफाई करना है. ऐसा नहीं है कि उनके अग्रीमेंट के साइन करने से मॉडिफिकेशन हो गया है. सर्टिफाइड ऑफिसर जो है उनकी उस एग्रीमेंट को चेक करेगा, उस एप्लीकेशन को आपको देना पड़ेगा अग्रीमेंट के साथ. वो चेक करेगा, देखेगा कि ये जो रूल्स इन्होंने मॉडिफाई किए हैं ये सिर्फ इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग करे हैं या फिर ये स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए भी सही है या नहीं, उसके बाद जाके वो अप्रूव होगा. नाउ अपील प्रोसेस, सेक्शन 6 क्लॉज 1. एन अग्रीव पार्टी यानी जिसको प्रॉब्लम है कैन अपील टू द अपेलेंट अथॉरिटी विद इन 30 डेज. अब अपील जो है हम पीछे वाली वीडियो में भी पढ़कर आए हैं कि आप 30 डेज के अंदर अंदर जिस पार्टी को प्रॉब्लम है वो अपील कर सकते हैं. इसका हमने केस लॉ भी पढ़ा था पीछे वाली वीडियो में. सो इन विच द सर्टिफाइंग ऑफिसर सेंड्स कॉपी ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसमें क्या होगा कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है वो कॉपी जो है स्टैंडिंग ऑर्डर की वो भेजता है. एंड द अपेलेंट अथॉरिटी हैज द पावर टू ईदर कंफर्म द स्टैंडिंग ऑर्डर और मेक नेसेसरी अमेंडमेंट्स. जो अपेलेंट अथॉरिटी है उसके पास पावर होती है कि या तो वो स्टैंडिंग ऑर्डर को कंफर्म करे या फिर वो जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स है या फिर कुछ ऐड करना है, कुछ डिडक्ट करना है, हटाना है कुछ, तो वो उस चीज के ऊपर बात करे. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इफ द यूनियन डिसअग्रीज विद द मॉडिफिकेशन प्रपोज बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने कुछ मॉडिफिकेशन है उनके ऊपर बात की और यूनियन डिसअग्री करती है कि ये चीज हमारे बीच डिसाइड नहीं हुई थी एंड वी आर नॉट रेडी फॉर दिस मॉडिफिकेशन. ठीक है, एंड द सर्टिफाइंग सर्टिफिकेशन ऑफिसर दे कैन फाइल एन अपील. तो यूनियन जो है अपील फाइल कर सकती है विद इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो कि क्या है 30 डेज के अंदर अंदर. नाउ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, वन सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर बिकम एनफोर्सेबल आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द सर्टिफाइंग ऑफिसर सेंस ऑन ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व. अब एक बार जब आपकी अपील अपील सब कुछ हो चुकी है, नाउ यू हैव नो अदर थिंग, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, और एक बार वो एनफोर्सिएबल हो गया, उसे करना शुरू कर दिया आफ्टर 30 डेज, वो एनफोर्सिएबल हो जाएगा और उसे एक बार फॉलो करना शुरू कर दिया, उसके बाद आप उस पर चेंजेस नहीं लेकर आ सकते. इफ एन अपील इज फाइल द एनफोर्सिबिलिटी इज डिलेड, अगर अपील फाइल होगी तो डेफिनेटली इनफोर्सिबिलिटी डिले हो जाएगी और जब भी जजमेंट आएगा उसके 7 दिनों के बाद वो जो नया आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है जजमेंट के बाद वो बन के रेडी हो चुका होगा, तो उसे अप्लाई कर देंगे और उसे एनफोर्स कर दिया जाएगा. देन कंडीशंस फॉर ड्राफ्टिंग स्टैंडिंग ऑर्डर्स, एम्प्लॉयर्स नीड टू सबमिट 5 कॉपीज. अब कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयर्स को 5 कॉपीज सबमिट करनी होती है ड्राफ्ट की स्टैंडिंग ऑर्डर बनवाने के लिए अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशन स्टेटिंग डिटेल्स अबाउट द वर्कर्स. उसमें सारी चीजें होती है. एक तो पहली बात अग्रीमेंट होता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच बैठ के स्टैंडिंग ऑर्डर की बात हुई होगी. Then all the details related to workers, including the name of the trade union and which they belongs.
Now, authentication and modification of orders. स्टैंडिंग ऑर्डर मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर. जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा सर्टिफाइंग ऑफिसर के थ्रू. उसी के पास से पावर होती है ऑफकोर्स, और अपील अथॉरिटी, या फिर अगर वो नहीं है तो. सो वंस द ऑथेंटिकेटेड कॉपीज आर सेंड टू द एम्प्लॉयर्स. अब एक बार ऑथेंटिकेटेड कॉपीज जो है वो एम्प्लॉयर्स के पास पहुंच गई है एंड रेलिवेंट रिप्रेजेंटेटिव, तब जाके आपके स्टैंडिंग ऑर्डर पे आगे प्रोसीजर जो है उसका फॉलो किया जाएगा. द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू चेंज अनलेस देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स. अगर जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको चेंज नहीं किया जाएगा जब तक कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं होता है एम्प्लॉयर्स और वर्कर के बीच, या फिर रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के बीच, फॉर 6 मंथ्स फॉर द डेट ऑफ एंट्री इन टू द ऑपरेशन ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन. सो ये जो 6 मंथ है ना, इसका मीनिंग ये है दैट दिस मीन्स दैट वंस अ स्टैंडिंग ऑर्डर हैज बीन ऑफिशियली अप्रूव्ड. एक बार आपका स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफिशियली अप्रूव हो गया तो कम से कम 6 मंथ्स के पीरियड तक तो आपको उसे फॉलो करना होगा. आप उसे चेंज या मॉडिफिकेशन की बात नहीं कर सकते. फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको चेंजेस की सख्त जरूरत है, तो ये चीज इस टाइम पे दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों की बातों पे ही की जाएगी. यानी बहुत ज्यादा इश्यूज है कि 6 मंथ्स तक भी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, कुछ ऐसे रूल्स एंड क्लॉसेज आ गए हैं, क्लॉजेस आ गए हैं, तो उस सिनेरियो में आप फिर इस ड्यूरेशन में चेंज करने की बात कर सकते हो. इस ड्यूरेशन के बाद भी दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद ही चेंजेस होंगे, बट 6 मंथ तक थोड़ा मॉडिफिकेशन डिफिकल्ट है. एग्जाम्पल, आफ्टर द सर्टिफाइंग ऑफिसर अप्रूव द स्टैंडिंग ऑर्डर. एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम इस चीज को कि एक बार जो सर्टिफाइंग ऑफिसर जो है वो अप्रूव कर देता है स्टैंडिंग ऑर्डर को, दे आर साइंड एंड सील्ड. वो साइन कर देता है और सील कर देता है बिफोर बीइंग सेंड टू द एम्प्लॉयर एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, इंश्योरिंग द लीगल वैलिडिटी, उसकी लीगल वैलिडिटी के ऊपर ध्यान रख देते हुए. अब इन समरी, द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व केयरफुल ड्राफ्टिंग, सर्टिफिकेशन, पोटेंशियल मॉडिफिकेशन. अब कोई मॉडिफिकेशन है तो वो भी देखी जाएगी कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है. केयरफुली ड्राफ्ट किया जाता है तो हमें पता ही है, और अपील प्रोसेस में भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि अपील का जो रीजन है इट इज वैलिड और नॉट, एंड द इवेंचुअल एनफोर्समेंट ऑफ द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. द एम इज टू एस्टैब्लिश फेयर. इसका एम क्या है सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का, कि फेयर एक म्यूचुअल अग्रीड अपॉन रूल्स आए जो रेगुलेट कर पाए अच्छे से, जो रूल्स जो है वर्क प्लेस के एनवायरमेंट को सुधार पाए, और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच कोई खिटपिट ना हो, यानी कॉन्फ्लिक्ट ना हो. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी. कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके हमें अपनी आप सजेशन दे सकते हैं, डाउट शेयर कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल. थैंक यू.